रखकर शिक्षा तो चौपट हुई है। ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर? मंगल पांडे भी जहाँ से आते हैं ये उनके गृह जिला का क्या स्थिति बनी हुई है? ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। बिहार में बढ़ रहे अपराध और शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर दिखे। आपको बता दें कि एक वीडियो जारी किया है तेजस्वी यादव ने, उन्होंने साफ साफ तंज कसते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर निशाना साधते हुए कह दिया कि ये गृह जिला है मंगल पांडे जी का, वहाँ पर जो कर्मी हैं, जो सफाई कर्मी हैं, वो इलाज करते हुए दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि यह कुत्तों का घर रहने वाला है या फिर मरीजों का अस्पताल है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले वो सुने। ये कुछ बालू माफिया लोग और प्रशासन के लोग मिलकर के जबरदस्ती ये कार्रवाई लोगों ने किया, क्या दिखाता है? लॉ एंड ऑर्डर आपका फेल है, शिक्षा तो चौपट हो ही गया, और आप बताइए इतना गंभीर मामला है, हमने इसको रिट्वीट भी किया है, एक वीडियो है आप देखिए। अब ये वीडियो में क्या है, ये अस्पताल है या कुत्ते का घर है? या कुत्ता को लगता हुआ कि उसी का घर है, कुछ इंसान उनके घर में आ गए, क्या स्थिति बनी हुई है भाई? ये सुशासन है, नीतीश जी का काम बोल रहा है। ये सारा वीडियो देखिए आप लोग, और ये कहाँ का, तो सिवान जिले का, जो मंगल पांडे जी जहाँ से आते हैं ये उनके गृह जिला का। और यही नहीं, एक तो हो सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं मरीजों का। अब आप बताइए ऐसी स्थिति में ये सुशासन है कि कुशासन है या क्या है? एक तो होता है गवर्नेंस, एक होता है मतलब कि बैड गवर्नेंस, एक होता है देयर इज नो गवर्नेंस, कोई गवर्नेंस ही नहीं है, क्या स्थिति पैदा होती जा रही है पूरे बिहार में? कल को आपके भी रिश्तेदार हो सकते। अब जब सरकारी डॉक्टर जब अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाने जाते हैं लोग, तो सरकार के अस्पताल में सफाई कर्मी जो है वो ऑपरेशन कर रहे, इतना बड़ा इतना गंभीर मामला, एक तरफ कोरोना युग चल रहा है जहां सैनिटाइजेशन की बात की जाती है, अब बगल में अस्पतालों में ICU में कुत्ते लेटे हुए, और वो भी गृह जिला मंगल पांडे जी का, जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, वहां अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है तो पूरे बिहार में आप कल्पना नहीं कर सकते क्या स्थिति है। तो इस चीज़ को लेकर के हम लोग, अब तो विधानसभा खुलेगा ही, हर एक मुद्दे को हम लोग जो है तो उठाने का काम करें। बेरोजगारी की तो जहाँ तक बात है, तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से साफ साफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए एक बार फिर से हमलावर दिखे, और वहीं उन्होंने कह दिया है कि बिहार में लगातार बेरोजगार सड़क भटक रहे हैं। वहीं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कर ले तो स्वास्थ्य मंत्री का जो गृह जिला है वहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इलाज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर हैं ही नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि लगातार अपराध बिहार में बढ़ रहे हैं, बालू माफियाओं का वर्चस्व बढ़ा हुआ है, लेकिन सरकार का ध्यान उस पर भी नहीं जा रहा है। वहीं उन्होंने कह दिया कि ये सुशासन बाबू की सरकार है, क्या है वो आप जानती हैं। क्या कुछ कहते नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।